आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर बुलंदशहर के लक्ष्मी अस्पताल के डॉक्टर राहुल गुप्ता ने आमजन को जागरूक करने के लिए दी सलाह। डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया एड्स जैसी प्राण घातक बीमारी कैसे फैलती है और क्या उसके उपाय हैं। डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया प्रोजेक्ट मेथड अप्लाई करने से हम एड्स से बचाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा पूर्व में उपयोग की हुई सिरिंज का इस्तेमाल करने से भी एड्स हो सकता है, यानी डॉक्टर और पेशेंट दोनों को इंजेक्शन लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नेडल या सिरिंज कहीं पूर्व में उपयोग तो नहीं हुई। इसी क्रम में डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया पूर्व से एड्स से ग्रसित रोगी का ब्लड किसी पेशेंट को चढ़ाने पर भी एड्स का रोग होने की पूरी संभावना रहती है। वहीं उन्होंने बताया एक से ज्यादा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी एड्स फैलता है। इस भयावह बीमारी से बचने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर राहुल गुप्ता है, मैं लक्ष्मी हॉस्पिटल से जनरल फिजिशियन हूँ और चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। सर आज विश्व एड्स दिवस है, आमजन को जागरूक करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए पब्लिक को जागरूक करने के लिए कैसे फैलता है और कैसे इसको रोका जा सकता है। यूजली सबसे पहला फैलने का कारण इसका मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। इसको हम बाई यूजिंग जो प्रोटेक्टिव मेथड है लाइक कंडोम हम रोक सकते हैं, और यूज सीरेंज जो कि हमारे गांव या अस्पतालों में यूज होती हैं, हम नई हर पेशेंट को नई डिस्पोजेबल सीरेंज यूज करके उसको रोक सकते हैं। इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से, जो कि HIV पेशेंट का ब्लड किसी दूसरे पेशेंट को चढ़ाने से HIV फैलता है, इसलिए किसी भी ब्लड चढ़ाने से पहले वो सारे जो उनके रूटीन चेकअप है ब्लड बैंक के, या फिर अच्छी कोई जो ब्लड बैंक अथोराइज्ड हो वहीं से ब्लड लेना है, जो कि सारी चीज़ें चेक करते हैं।